राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय क्षमता, व्यावसायिक कौशल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में विद्यार्थियों के कौशल को विकसित कर उनके ज्ञान कौशल और सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक सोच के साथ व्यावसायिक कौशल करते हुए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थियों और केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून के विद्यार्थियों ने एक मंच पर एकत्रित होकर बैगलेस डे का शुभारंभ किया। ये कक्षा देश की पहली प्रायोगिक कक्षा है जिसमें समायोजन के साथ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा सबके लिए की शुरुआत हुई। सृजन की ओर शीर्षक से आयोजित ये कार्यक्रम नई शिक्षा नीति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थियों ने कठपुतली बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखकर शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निर्णय क्षमता के साथ व्यावसायिक कौशल का अनुभव प्राप्त किया। हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडी सीखने पर ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। इसमें बागवानी, काष्ठकला, नाट्यकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली का काम आदि शामिल है। विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल को विकसित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में और नई शिक्षा नीति, समावेशन और बैगलेस डेज की पहल पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के निदेशक डॉ. हिमांशु दास ने कहा। नमस्कार, मैं हिमांशु दास, मैं निदेशक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। देश के लिए बहुत गौरव की बात है एनईपी 2020। बैगलेस स्कूल के इसके जो महत्व है वो ये है कि हाउ डू यू एनकरेज पीपल और मेक पीपल अंडरस्टैंड, अभिभावक जनों को, टीचरों को, सभी समाज को कैसे हम समझाएं कि एकेडमिक्स के परे भी एक दुनिया है। और ज़्यादातर दुनिया में एक इंसान जब सस्टेन करते हैं, रोजगार कमाते हैं, एकेडमिक्स इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। हमारी स्किलिंग, हमारी वोकेशनल एजुकेशन, हमारी लाइफ स्किल एजुकेशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो उस चीज़ को हम कैसे लोगों को समझाएं? बहुत सालों से हमने कोशिश तो की लेकिन वो कोशिश ठीक से कामयाब नहीं रही, तो इसीलिए हमने बैगलेस स्कूलों का अभिप्राय लिया ताकि लोगों को हम समझा सकें कि स्कूल बहुत बेहतरीन है, स्कूल में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, स्टूडेंट्स विद वेरियस एप्टीट्यूड है, स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एटीट्यूड है, डिफरेंट क्रिएटिविटी है, उसमें स्पेशल नीड बच्चे हैं। सबको हमें बैगलेस स्कूल से ही ये जानकारी देनी होगी कि एवरीबॉडी कैन हैव स्पेशल एप्टीट्यूड, स्पेशल एटीट्यूड एंड कैन परफॉर्म इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उसके अंदर हम लोगों ने करिकुलम में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जो कोशिश की है वो बैगलेस स्कूल के द्वारा एक इंडिकेशन मिलता है हाउ एनईपी 2020 इज ब्रिंगिंग इन द होल लॉट ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन। मल्टीपल चॉइसेस जो हम देने वाले हैं सारे स्टूडेंटों को, कि ये पुराने जमाने जैसा नहीं है आप 5-10 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ऑप्शन आने वाले हैं। वो बैगलेस स्कूल उस चीज़ को दर्शा रहा है। लाइफ स्किल, स्किलिंग और बियॉन्ड एकेडमिक की जो दुनिया है उसको भी बैगलेस स्कूल आगे दिखा देने वाली है। समावेशित शिक्षा कई सालों से चल रही है, दिव्यांगजनों की स्कूल में रिजर्वेशन कर दी गई है 5%, रोजगार में रिजर्वेशन कर दी है 5%। उसके बावजूद भी जब हम सक्सेस ऑफ समावेशन देखते हैं सोसाइटी में, समाज में, स्कूल में, व्यवसाय, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है हमारी एम्पैथी नहीं होना। और एम्पैथी नहीं होने की कारण क्या है? हम लोग साथ कभी जुड़े ही नहीं। जब साथ जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं, तो हमें एम्पैथी नहीं आएगी। जब एम्पैथी नहीं आएगी कहीं ना कहीं समावेशन की जो मकसद है, गोल है, वो कहीं हो नहीं पाती है। तो हम लोग, ये मंशा है हमारी कि हमारी संस्था जो विजुअल डिसेबिलिटी में स्पेशलाइज्ड है, हमारी संस्था केंद्रीय विद्यालय के साथ मिलके इस प्रकार के अनगिनत कार्यक्रम करे जिसके जरिए सारे रेगुलर स्कूल के बच्चों को एक एम्पैथी डेवलपमेंट हो उसके अंदर, ताकि समावेशन की जो लक्ष्य है वो सक्सेसफुल हो। बहुत बढ़िया बात है, हम लोगों को डंडा मार मार के
जो है कुछ सब्जेक्ट सिखाई जाती थी। जब खेलने जाते थे तो माता पिता टीचर सब लोग मिलके मारते थे। नाचना गाना हर चीजों में किसी में भी इंटरेस्ट रहने का मतलब ये था कि ये बच्चा तो हाथ से निकल गया। अब पहली बार हमारे देश में ऐसा होगा, विदेशों के जैसा हर एक टैलेंट को परखा जाएगा, हर एक टैलेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये सबसे बेहतरीन बात है। इस अवसर पर समावेशन का सृजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने सटीक वक्तव्य प्रस्तुत किया। आज हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, और एक परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो अपने पूरे शिखर पे दिखाई देगा सन 2040 में, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते 21 तारीख सितंबर को विद्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कि आह्वान किया गया था कि भारत सरकार की तरफ से निर्देशों का पालन करते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री इशारा करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ओर और उसकी उसमें कही गई बात को दोहराते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया और हम सभी से अपेक्षा की कि इस दिशा में अब बिना अतिरिक्त समय खोए कदम बढ़ाने के लिए उठ खड़े होइए। मैं सीधे कोट करता हूं उस पत्र का वो अंश जिसके निर्देशों के पालनार्थ ये कार्यक्रम का सृजन हो चुका है और जिससे आप देख भी सकते हैं सृजन की ओर। इन पैरा 4.26 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट इज रिकमेंडेड दैट एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड्स 6 to 8 दैट गिव्स अ सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ सैम्पलिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स। वोकेशनल का अर्थ सीधे होता है स्किल, एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसी कला जो व्यवसाय के रूप में बदल सकने की क्षमता रखती है। व्यवसाय का अर्थ ये सीधे है एक ऐसी कला जो आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बना देती है और समाज में जाके उस कला के आधार पर आप कुछ धन अर्जन कर सकते हैं। That is vocational craft. Namaskar, good morning. At the outset, let me introduce myself to all the viewers. I am Sanjay Kumar, Principal, Kendriya Vidyalaya, ITBP, Dehradun. आज का दिन एक नई सौगात लेके आया है हमारे बीच में और शायद यही अवसर है जब आपसे कुछ हम बात करना चाहते हैं। विश्व के इकोनॉमिस्ट जब भी बात करते हैं तो अच्छी इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल जो कैपिटल होता है उसकी बात होती है। इसी प्रकार ह्यूमन कैपिटल की जब बात होती है तब हमारे बच्चे आते हैं, उनका बौद्धिक विकास आता है, उनकी स्कूलिंग आती है और स्कूलिंग से जुड़ा होता है स्किलिंग। बात यहीं से शुरू होती है हमारी आज की, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्किल अमंगस्ट ऑल। जब हम बात करते हैं सभी पढ़ें सभी बढ़ें, इसमें कहीं निहित होता है सभी कौशल सिद्ध हों, उनमें स्किल ऐसा डेवलप हो कि कम समय में ही, या यूं कहूं उपयुक्त समय में, उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि अब वे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब वे समाज में एक कुशल जीवन व्यतीत करने में सक्षम बन चुके हैं। यदि आज के परिवेश में देखें एक लंबे समय तक ये व्यवस्था कुछ चलती रही कि डिग्रीज तो हाथ में हैं बट दे डू नॉट हैव द स्किल एंड हेंस उनमें कोई प्रोडक्टिविटी के लक्षण नहीं आते हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी बाहर निकलने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना है कि दे आर नॉट जॉब रेडी, दे आर नॉट फ्यूचर रेडी। तो जब इसको गहराई से चिंतन हुआ तो देखा गया हमारे पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके जो शैली थी उनमें कुछ खामियां थी। संभवतः उसी को पूर्ण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये कई सारी ऐसी बातों को लेके आई है जिससे कि हमारे बच्चे अब बहुत ही संबल और सक्षम बन सकेंगे। हम आज बात कर रहे हैं प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, PVEP।
जिसमें कि ये अवधारणा रखी गई है इसका पालन होगा, जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है समय अगले साल से लागू हो जाएगा। इसमें बल दिया गया है क्लासेस 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को अनिवार्य तौर पर कुछ ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर दिलवाना अनिवार्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कारपेंट्री, मेसनरी, पॉटरी, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, तमाम सारे ऐसे कौशल हैं, स्किल्स हैं जो बच्चे देखते भी हैं, सराहते भी हैं, हमारा पूरा समाज उनसे लाभान्वित भी होता है। लेकिन जब बारी आती है कुछ करने की तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और तब खोज होती है वो कौशल सिद्ध व्यक्ति कौन है, तब उसको बुलाया जाता है, तब कहीं कहीं छोटे से छोटे कार्य कहीं सफल हो पाते हैं। तो आज जब हम बात करते हैं बैगलेस डेज की, यानी कि विद्यालय व्यवस्था में ऐसे कुछ दिन हो जब बच्चे को महसूस हो कि अब हमें बैग नहीं ले जाना है, तो सरकार ने कहा है ऐसी ये अब बहुत स्वप्न मात्र नहीं रह जाएगा। साल में 10 दिन उन्होंने चिन्हित किए हैं कि ये 6-8 तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये लोग क्या करेंगे, 10 दिन इनको बस्ते नहीं ले जाने हैं। लेकिन इन दिनों क्या करेंगे, ये इन कौशल सिद्ध जो पुरुष हैं हमारे, हु आर स्किल्ड पीपल इन द सोसाइटी, कारपेंटर्स, मेसन्स इत्यादि, इनके पास जाएंगे और एक प्रकार से इंटर्नशिप करेंगे। CBSE की प्रिंसिपल्स हैंडबुक में लर्निंग की हाई फाइव स्ट्रेटजीज में पपेट शो को शामिल किया गया है। प्रिंसिपल्स हैंडबुक स्ट्रेटजी और समावेशन के सृजन के बीच आदर्श विद्यालय के छात्रों और केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने खेल खेल में बहुत कुछ सीखा। कठपुतली प्रदर्शन के दौरान जब कठपुतली कलाकार अपनी दोनों उंगलियों और धागे के सहारे लकड़ी से बनी सजी संवरी कठपुतलियों को नचा रहा था तो सभी बच्चे आश्चर्य और उत्साह के साथ वो नजारा देख रहे थे। बच्चों के चेहरों पर खुशी, उत्सुकता और कौतूहल के वो पल देखते ही बनते थे। समावेशन का ये दृश्य शिक्षा नीति 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। कठपुतली प्रदर्शन के बाद छात्रों ने जब खुद मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखी तो सभी बच्चों के चेहरों पर कुछ अलग पाने का उत्साह साफ नजर आ रहा था। कुछ करने की चाह और उसे करने का अवसर मिल जाए तो ये एहसास ही अलग होता है। आदर्श विद्यालय की छात्रा मनीषा के लिए मिट्टी से दिया बनाने का ये अनुभव ऐसा ही सुखद एहसास था। मनीषा ने अपने इस अनुभव को कुछ इस तरह बयान किया। नमस्कार, मेरा नाम अनीशा है। मैं NIEPVD के मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ ITVP केंद्रीय विद्यालय आए थे। वहाँ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। हमने सबसे पहले कठपुतली शो देखा, उसके बाद हमें कठपुतली कैसे बनाई जाती है बताया गया, उसके बाद हमें आधे घंटे का ब्रेक दिया गया और फिर हमने पॉटरी सीखी कि कैसे मिट्टी के कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मनीषा के साथ आदर्श विद्यालय के अन्य बच्चों और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने मिलकर मिट्टी की कारीगरी सीखी और उसका खूब आनंद लिया। उन्होंने सीखा कि किस तरह चाक घूमता है और किस तरह मिट्टी से बर्तन तैयार किए जाते हैं। खेल खेल में सीखना और बच्चों को क्या चाहिए। आदर्श विद्यालय के छात्र प्रिंस और आरव ने भी अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए। आदर्श विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ITBP देहरादून के छात्रों में थोड़ी ही देर में दोस्ती हो गई और सभी बच्चे आपस में घुल मिल गए। एक साथ बच्चों ने कई अनुभव लिए। कौशल विकास के लिए तो ये बड़ा कदम है ही, साथ ही दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर बैठना, उनसे बात करना और उनके बारे में जानना, दिव्यांग बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करना, ये समाज में दिव्यांग समुदाय के लिए संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा। यही तो उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। ये पल इन बच्चों के लिए बेहद खास थे।
आदर्श विद्यालय देहरादून और केंद्रीय विद्यालय ITBP के छात्रों के लिए समावेशन और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की ये पहल नया अनुभव था, जिसे छात्रों ने सहर्ष स्वीकार किया और उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। सुप्रभात, मेरा नाम गरिमा है। मैं KVITBP सीमा द्वार में पढ़ती हूँ। आज मुझे मेरे स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे स्कूल में आज एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कठपुतलियों का खेल देखा और कठपुतलियाँ बनाना भी सीखा, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे स्कूल में दूसरे स्कूल के विद्यार्थी भी आए थे, जिनसे मैंने बातचीत करी और उनकी कक्षा व नाम पूछा। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे विद्यालय में हर वर्ष प्रतियोगिता और प्रोग्राम होते हैं, और उनमें मेरी कक्षा व मेरे विद्यालय के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। और मुझे देखकर अच्छा लगता है कि मेरे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, और इन सब में मेरी अध्यापकों का सबसे बड़ा सहयोग है, जो हमें प्रेरित करते हैं इन चीज़ों के लिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनन्या रावत है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मेरे विद्यालय में दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी आए, मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने उनका नाम पूछा और उनसे बातचीत करी। आज मेरे विद्यालय में कठपुतली प्रोग्राम हुआ। मैंने उनसे कठपुतली बनाना सीखा और कठपुतली कैसे चलाते हैं वो सीखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अर्षा गसाई ऑफ KVIDPP देहरादून। टुडे आई एम हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन Inclusive education. Inclusive education is a new approach towards educating the children with disabilities and learning difficulties and with that of the normal ones under the same roof. It brings all the students together regardless of their strengths or weakness. Even if we don't admit it, at some point of our life, we must have distinguished between students based on their abilities. We might have seen the disabled with a different point of view or just totally ignored them. But under the idea of inclusive classroom, all the students can socialize with each other, and this is a perfect training ground for real life. From my side, I feel deeply honored to be a part of this program and to share the space with these wonderful personalities. Namaskar, mera naam Krishna Kant Mahato hai aur main NIEPVD Model School ka chhatra hu. Main kaksha 8 mein padhta hu aur aaj hum Kendra Vidyalay mein ek program attend karne ke liye aaye hain, jisme ki humne aaj dekha ki hame ek puppet show dikhaya gaya, jisme ki Rajasthani culture ke bare mein hame bataya gaya ki usme jo raja maharaja the pehle वो कैसे जो है सपेरे, फिर जो शिकारी हैं उनके बारे में हमें बताया गया कि कैसे वो सांप पकड़ के लाते थे, राजा महाराजा के सामने प्रस्तुत करते थे और उन्हें खेल दिखाते थे। तो हमने उसमें देखा कि सपेरा आया, उसने सांप पकड़ के लाया था, सांप और उसके बच्चे। तो सबसे पहले उसने जो सांप निकाला उसने सपेरे के पैर पर काट लिया, और फिर वो आसपास घूमने लगा। सपेरा भी महाराज से बोलने लगा कि महाराज सपेरे से बोलने लगा कि अब उसके बच्चे दिखाओ हमें, सांप के बच्चे। फिर उसने उसके बच्चे दिखाए, फिर हमारा जो सपेरा वाला कार्यक्रम था वो हमारा समाप्त हो गया। फिर एक शेर का और शिकारी का हमें दिखाया गया। शिकारी तो पहले शेर का शिकार करने गया था, लेकिन उसके जगह शेर ने ही उसे दबोच लिया और उसकी अपना भोजन कर लिया, भोजन बना लिया उसे। और उसके बाद हमारा ब्रेक हुआ आधे घंटे का। फिर हमें जो पॉटरी होती है वो उसके बारे में हमें कुछ सिखाया गया कि पॉटरी में जो कला है वो कैसे की जाती है, और हमारे द्वारा भी बनाया गया कि हमने जैसे कुछ प्लेटें बनाई, गमले, फिर कटोरियाँ, और ऐसे हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को समावेशन का महत्व बताने में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान आदर्श विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोहम्मद मंजर, जो खुद दृष्टिबाधित हैं और केंद्रीय विद्यालय ITBP देहरादून में प्रशिक्षित हिंदी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने समावेशन के विकास की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता बताई। समस्त प्रबुद्ध जनों को नमस्कार।
मैं मोहम्मद मंजर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा द्वार देहरादून द्वितीय पाली, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पदार्पण कर चुके हैं और इसी के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि हमारी शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले से मौजूद था, परंतु अब इसमें गति से प्रगति हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम शिक्षा के इतिहास का, विशेषकर दिव्यांगजनों के शिक्षा के इतिहास का सिंहावलोकन करें, तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में, अब से 2400 साल पहले चले जाएं, तो दिव्यांगों को केवल धरती पर बोझ समझा जाता था, बर्डन समझा जाता था और उन्हें जीने तक का अधिकार नहीं होता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है, आज दिव्यांगजनों के समावेशन की बात की जा रही है। और क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकास करता गया, मानव सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे दिव्यांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। पहले विशेष विद्यालय खोले गए और अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो तथाकथित सामान्य कहे जाने वाले विद्यालय भी दिव्यांगजनों को समावेशित कर रहे हैं। तथाकथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं तो हम एबनॉर्मल नहीं हैं। लेकिन अभी कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण धीरे धीरे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, हम ऑनलाइन मोड में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ दिव्यांग, विशेषकर दृष्टि दिव्यांग बच्चों को कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे जो हमारे शिक्षक, यानी जो इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ ऑडियो डिस्क्रिप्शन किस प्रकार देना है। अगर पीपीटी शो कर रहे हैं या वीडियो शो कर रहे हैं, तो प्रॉपरली जो डिस्क्रिप्शन देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसका कारण ये है कि अभी हमने पदार्पण किया है और धीरे धीरे हम संभवतः आगे बढ़ेंगे। और समावेशी शिक्षा के संबंध में कुछ बातें और हैं। जैसे एक हमारे शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल सभी बच्चों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए भी एक्सेसिबल हो। हम जानते हैं कि आज दीक्षा पोर्टल को हम ठीक प्रकार से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि उसका डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है। तो अगर हम सभी मिलकर, चाहे विद्यालय स्तर की बात हो या फिर संगठन स्तर पर हों, जहां भी हम कार्यरत हैं, इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल के डेवलपर को एक मेल इस तरह का लिखें कि ये पोर्टल, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से, ये सबके लिए सुगम होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की गतिविधियों से, इस प्रकार के एप्लीकेशन से, पोर्टल से इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी की शिक्षिका प्रगति गोसाई ने समावेशन के लिए अभिभावकों और समाज को संवेदनशील बनाने की बात कही और कहा, नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रगति गोसाई, पियाठी, केवी आईटीबीपी देहरादून। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटीज ऑफ एवरी चाइल्ड। अगर इंक्लूजन की बात करें, तो इंक्लूजन एक ऐसा बिलीव है
कि हर एक बच्चे में एक ऐसा कैपेबिलिटी है, हर एक बच्चे में एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकता है। अगर इंक्लूजन को हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी जो है वो हमारा सेंसिटाइजेशन है का पेरेंट्स और उनकी सोसाइटी। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी नज़र आती है तो पेरेंट्स वहीं से परेशान हो जाता है, और जब बच्चा 3 साल का होता है, जब उसके एज स्कूलिंग की होती है, तब से उसके पेरेंट्स उसके लिए स्पेशल स्कूल ढूंढ लेते हैं। जब आज सरकार ने NEP ने इतना प्रमोट किया है इंक्लूजन को, इतनी फैसिलिटी दी है उनको, इतने एक्ट्स दिए हुए हैं, इतने राइट्स दिए हुए हैं, क्यों नहीं उस बच्चे को आप नॉर्मल स्कूल KV में, नवोदय में, इसमें डाला जाए। ये तो पेरेंट्स को सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सेंसिटाइजेशन ऑफ सोसाइटी की बात है, तो आज आपने हमारे विद्यालय में देखा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने NIPVD के बच्चों को बुलाया, हमारे विद्यालय के बच्चों को बुलाया, उन दोनों ने मिलकर साथ में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स देखे, पपट शो देखे, पोट्री के प्रोग्राम्स देखे, और अभी वो पोट्री ही बनवा रहे हैं बच्चों से, साथ मिलकर उन्होंने पपट्स बनाए। तो दैट इज़ द इंक्लूजन जिसको हम अपने विद्यालय से प्रमोट कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में ये सबसे पहला कदम है जब हम इंक्लूजन को हम ये प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह से अगर हमारी सोसाइटी इस तरह से आगे बढ़ती रही तो धीरे 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 ये इंक्लूजन जो है पूरे सोसाइटी में फैल जाएगा। सेकेंड थिंग जो है सेंसिटाइजेशन ऑफ स्कूल है, जिसमें आपका टीचर्स स्टाफ मेंबर्स आते हैं, पॉलिसी चेंजेस आती है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जो करिकुलम चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें सेंसिटाइजेशन ऑफ स्कूल में आती है। एंड द थर्ड वन इज सेंसिटाइजेशन ऑफ पीयर लर्निंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे के साथ क्लास में हमेशा टीचर नहीं रहेगा, हमेशा पेरेंट्स नहीं रहेंगे, लेकिन उसके साथ में पढ़ने वाला नॉर्मल बच्चा हमेशा उसके साथ में रहेगा, अगर वो बच्चा जागरूक है उस बारे में, तो वो जो डिसेबल बच्चा है वो हमेशा ये सोचेगा मैं अपना काम तो अपने आप कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे बाय चांस कुछ नई चीज़ सीखनी है तो कम से कम मेरा फ्रेंड मेरे साथ है जो मुझे गाइड कर सकता है। तो एटलीस्ट हमें टीचर्स का ये फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को, जो जितने बच्चे हमारे पास हैं इंक्लूजन में, तो उनको हम ये प्रमोट करें कि वो आपस में एक दूसरे को गाइड करें और पीयर लर्निंग हो उनके साथ में। अगर हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हम UDL को नहीं भूलेंगे, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग में, जिसने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिसमें है कि टीचर्स को बच्चों की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। जैसे हम जो TLM यूज़ करते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो हम टेक्स्ट के साथ हम ऑडियो एड्स भी यूज़ करते हैं, अगर हमारे यहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो हम विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, PPT यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमारे पास कोई बच्चा है जिसे डायलेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ हम टेक्स्ट से नहीं पढ़ाएंगे, टेक्स्ट से तो उसका कोई भी कंटेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। हम अगर ग्रुप एक्टिविटी कराएं, जैसे रोल प्ले करवाएं, ड्रामास करवाएं, तो उसको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो UDL में हमें यही सिखाया जा रहा है कि हम अपने आप को उनके अकॉर्डिंग इस टाइप से बनाएं कि हर बच्चे को जो हमारा कॉन्टेस्ट है वो हर बच्चे को समझ में आए और हम उनके अकॉर्डिंग ढल जाएं। इसी तरह से अगर हम इंक्लूजन को आगे प्रमोट करते रहें तो शायद जो दिव्यांग शब्द है वो भी शायद समाज से हट जाएगा और सारे बच्चे नॉर्मल की काउंटिंग में आ जाएंगे। थैंक यू। प्रतिमा ढोंडियाल जो कि प्राथमिक अध्यापिका हैं, उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की तो समाज से अलग शिक्षा को नहीं देख सकते, इसी दिशा की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा ढोंडियाल केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस देहरादून की प्राथमिक अध्यापिका प्रथम पाली। आज हमारे विद्यालय में विशेष उत्सव का माहौल था क्योंकि समावेशी शिक्षा, जिसका कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कहते हैं, उसमें परिकल्पित मानकों को हमने धरातल पर उतरते हुए देखा। हम सब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पहले हम देखते थे कि शिक्षक और उसका पाठ्यक्रम और बच्चे, इस तरह से एक ट्रायंगल बनता था, लेकिन आज की ज़रूरतों ने हमें समझाया है कि शिक्षा को हम समाज से कटकर नहीं देख सकते या उसकी कल्पना को हम फलीभूत होते हुए नहीं देख सकते। समाज का शिक्षा से जुड़ना या शिक्षा का समाज से जुड़ना बहुत आवश्यक है, तो इसी दिशा की ओर
हमारे विद्यालय ने, जो कि केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान है, और उसमें भी केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ये पहला कदम उठाया कि अपने सपनों को उसने धरातल पे उतारा है और उसको हमने जिया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अक्सर हम केवल दिव्यांगजनों को इंक्लूड करने की बात कहते हैं और सोचते हैं कि यहीं पर हमारा कर्तव्य की इतिश्री हो गई है, लेकिन समावेशी शिक्षा हमें देखना है कि जो समाज के दबे कुचले वर्ग से आते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, उनको हमें इंक्लूड करना है। इसके साथ ही जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं या जो परिवार हैं, उनके बच्चों को हमने अपने स्कूल में जगह देनी है। इसके अलावा अब आती है बात शारीरिक रूप से डिसेबल्ड, आजकल हम इसको कहते हैं स्पेशली एबल्ड, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर है, ज़रूरत है उस ओर अपनी दृष्टि करने की, उसका भरपूर इस्तेमाल करने की। हम लोग अक्सर अपने बच्चों की योग्यताओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते, हम उनको मोटिवेट करने में पीछे रह जाते हैं, और उनके कुछ कारण होते हैं बच्चों के पिछड़ने के, उन बच्चों को आगे करना एक टीचर का ही कर्तव्य है। हमें हर बच्चे को समझना पड़ता है, सबसे पहले समझना है उसके मन को। अगर एक टीचर कोई पाठ शुरू करता है तो उस पाठ को मेरे 40 बच्चे अलग अलग ढंग से लेते हैं, उसका कारण क्या है कि वो किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से या सामाजिक पृष्ठभूमि से या किस आर्थिक पृष्ठभूमि से वो बच्चा आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि हम कहते हैं परिवार एक हमारे समाज की पहली इकाई, लेकिन ये परिवारों में भी कितनी भिन्नता है, कहीं एकल परिवार हैं, कहीं ब्रोकन फैमिलीज हैं। इन फैमिलीज से बच्चे जो आते हैं उनके मनोभावों को हमें समझना है, उनको उनकी भावनाओं को समझना है और उनके अकॉर्डिंग अपने को ढालना है, समाज में उनको व्यवस्थित करना है। तो मैं अपने विद्यालय को, केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस को, इसके प्राचार्य को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि जो बातें अब तक किताबों में थी, हमारी परिकल्पनाओं में थी, उसको आज हमने फलीभूत होते हुए देखा है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनको बहुत बहुत साधुवाद। स्पेशली जो NIPVT के हमारे निर्देशक हैं, जिन्होंने इनके साथ मिलकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन और NIPVT जो संगठन है, ये मिलकर एक समावेशी विद्यालय खोलने का कार्यक्रम, उसकी शुरुआत कल से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के आदर्श विद्यालय के विज्ञान अध्यापक राकेश अंथवाल ने बताया कि किस तरह दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों ने आसानी से कठपुतली बनाना और मिट्टी के दिए बनाने की कला को समझ लिया। नमस्कार, मैं राकेश कुमार अंथवाल, मैं NIPVD देहरादून में मॉडल स्कूल में एक साइंस अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज वर्तमान में जो आज का विषय है पूर्व व्यवसायिक शिक्षा की ओर, उससे ही संबंधित आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आयोजन केंद्रीय विद्यालय ITBP के प्रांगण में हुआ, जिसमें हमारे दृष्टिबाधित बच्चे और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने एक साथ शिक्षा कौशल से संबंधित, या मुझे कहना चाहिए व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलापों में भाग लिया, जिसमें कठपुतली का जो पपेट जो शो है वो पहले बच्चों को दिखाया गया, हमारे बच्चों ने उसमें बड़ा आनंद लिया। उसमें फिर जो पपेट शो दिखाने वाले उनमें से जो कारीगर थे, उन्होंने जो है हमारे बच्चों को किस तरीके से पपेट बनाए जाते हैं, कठपुतलियाँ कैसे बनाई जाती है, ये समझाया, जिससे उनको जो उनके टैक्टाइल जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनका फॉर्मेट, जो किस तरीके से डायग्राम कॉन्सेप्ट का, टैक्टाइल और इम्बोज डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट था, वहाँ उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ काम आया, और वो बहुत जल्दी उसको समझने लगे कि कैसे पपेट जो है बनती है। दूसरा, एक और
जो है व्यवसाय प्रूव व्यवसाय कौशल से संबंधित कार्यक्रम रखा गया, डीए वगैरह बनाने से संबंधित वो कार्यक्रम में भी हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ मिलजुल कर कार्यक्रम किया और पूरा देखने में वो पूरा एक इंक्लूसिव सेटअप में था जो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें हम बात कहते हैं कि समावेशी शिक्षा में किस तरीके से दिव्यांग दूसरे दिव्यांग और हमारे जो सामान्य बच्चे हैं सामान्य दृष्टिवान बच्चे एक साथ एक ही शिक्षा को कैसे प्राप्त करें उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है आज इस विद्यालय में प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आज विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर मांसुदास सर का और इस विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार जी का जिन्होंने ये अवसर दिया कि दोनों विद्यालय के बच्चे एक साथ एक मंच पर एक जगह पे वो अपनी कुछ जो उनके पहले के अनुभव हैं उनको साझा करें और इस कार्यक्रम के जरिए आगे एक अच्छा संदेश दें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के सभी शिक्षकों का और उन कर्मचारियों का जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत बहुत सहयोग दिया, धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के आदर्श विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ने मिलकर ये जो समावेशन की पहल की है वो विद्यार्थियों के बुद्धि कौशल को विकसित करने की ओर पहला सफल कदम है। ये एक कदम छात्रों को उस मंजिल तक ले जाएगा जिस मंजिल पर भावी युवाओं को रोजगार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी बल्कि युवा रोजगार का सृजन करेंगे। अपनी योग्यताओं और कुशलता को विद्यालय स्तर पर ही पहचान कर एक नया सृजन करेंगे।